गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश ग्रामर क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं और हम कैसे रूल्स का यूज़ करके उसको चेंज करते हैं, सेंटेंस को चेंज करते हैं। ओके, तो मैंने आपको पहचान बताई थी और अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में बताया था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ओके, आज मैं आपको ये बताऊँगी कि वर्ब में क्या, कौन सी स्पेलिंग में क्या लगाकर सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है तो उसमें जो स्पेलिंग होती है तो किस स्पेलिंग को चेंज करके और क्या उसमें ऐड करके सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। ओके, तो मैं कुछ रूल्स बताऊंगी कि हम कैसे वर्ब को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके साथ ही मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं स्पेलिंग्स में हम क्या ऐड कर देंगे तो सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। ओके, तो फर्स्ट है हमारा रूल बेस फॉर्म प्लस ईडी। जो बेस फॉर्म होती है उसमें ईडी को अगर ऐड कर देंगे तो वो सेकेंड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि बेस फॉर्म हमारी क्या है, इसमें वर्ब, और हमने ईडी लगा दिया तो क्या होगा, वर्ब, तो ये सेकेंड फॉर्म बन गई। ऐसे ही हमारी इसमें बेस फॉर्म क्या है, प्ले, और उसमें हम ईडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड, तो ये हमारी प्ले से ईडी लगाने पर क्या, सेकेंड फॉर्म बन गई। ओके, सेकेंड रूल है हमारा वर्ब्स एंडिंग इन ई प्लस डी। जो वर्ब्स ई पर खत्म होती हैं या जिन वर्ब्स में, जिन वर्ड्स में लास्ट में ई होता है तो हम उसमें अलग से ईडी नहीं लगाते हैं, तो हम उसमें सिर्फ डी को ऐड कर देते हैं और वो सेकेंड फॉर्म बन जाती है, जैसा कि हमने इसमें ईडी को ऐड किया था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये पहले ही ई पर एंड हो रही है तो हम इसमें सिर्फ डी लगा देंगे। ओके, जैसे कि लाइक, तो लाइक में लास्ट में कौन सा वर्ड है, ई, तो हमने उसमें कौन सा वर्ड ऐड किया, सिर्फ डी को ऐड किया, ई पहले से ही था, हमने सिर्फ डी को ऐड किया। ओके, ऐसे ही मूव, मूव में लास्ट में ई आ रहा है तो हमने उसको सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ डी को ऐड किया है और ये हो गया मूव और सेकेंड फॉर्म बन गया। ओके, थर्ड है हमारा वर्ब एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट वाई। वो वर्ब जो कॉन्सोनेंट वाई से एंड होते हैं, जिनके लास्ट में वाई लगा होता है, कॉन्सोनेंट कौन सा लगा होता है, वाई। ओके, उसको कैसे चेंज करते हैं, हम वाई की जगह आई कर देते हैं और ईडी लगा देते हैं। लास्ट में जिन वर्ड्स में वाई होता है तो हम वाई की जगह आई लगा देते हैं और उसमें ईडी और ऐड कर देते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, चलिए देखते हैं, जैसे कि कैरी, कैरी में लास्ट में कौन सा वर्ड है, कॉन्सोनेंट कौन सा है, वाई। ओके, तो हमने वाई के साथ में, वाई की जगह पर हमने क्या लगा दिया, आई, वाई की जगह क्या लगा दिया, आई और ईडी कर दिया, तो ये सेकंड फॉर्म बन गया, कैरी का क्या हो गया, कैरी। ऐसे ही स्टडी में लास्ट में कॉन्सोनेंट कौन सा है, वाई। ओके, तो हमने वाई की जगह क्या कर दिया, आई, और क्या ऐड कर दिया, और ईडी, तो स्टडी का हो गया स्टडीड और ये सेकंड फॉर्म बन गया। ओके, हमारा नेक्स्ट और लास्ट रूल जो है वो है साउंड वर्ब्स एंडिंग इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि लास्ट में कॉन्सोनेंट पर खत्म होती है, मतलब जिनके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, द सेकेंड लास्ट लेटर इज अ वॉवल। ओके, और जिसमें वो खत्म, वो वर्ड जो है, वो वर्ड जो है वो खत्म तो सिंगल कॉन्सोनेंट पर होता है लेकिन उससे पहले वॉवल लगा होता है, लास्ट के कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल यूज होता है। ओके, सेकेंड लास्ट वॉवल होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डबल लास्ट लेटर ईडी। ओके, तो हम लास्ट जो कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल वार कर देते हैं, डबल लगा देते हैं। ओके, लास्ट में जो कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट में जो कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले अगर वॉवल होगा तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम दो बार लगाएंगे और उसके बाद ईडी लगा देंगे। ओके, किसी भी वर्ड में जब लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल होगा तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल वार कर देंगे। ओके, और उसमें ईडी लगा देंगे। ओके, तो जैसे प्लान वर्ड है, ओके, तो प्लान में लास्ट में सिंगल एंड है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवल यूज किया गया है, ए। ओके, इसको आ भी बोलते हैं, तो ये वॉवल है तो कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल यूज हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, हम एन को डबल वार कर देंगे, कॉन्सोनेंट को हम डबल वार कर देंगे और उसके बाद ईडी लगा देंगे। प्लान
एंड को दो बार कर दिया और ईडी को लगा दिया ये सेकंड कॉलम में, ओके। ऐसे ही दूसरा वर्ड हमारा है स्टॉप, कौन सा वर्ड है हमारा स्टॉप, ओके। तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट है, बट उससे पहले वॉवल साउंड है, वॉवल वर्ड है, उससे पहले वॉवल है ओ, ओके। तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम डबल बार कर देंगे और फिर ईडी लगा देंगे उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करने के लिए, ओके। तो स्टॉप, तो डबल पी बना दिया और ईडी लगा दिया, तो ऐसे स्टॉप का हो गया, स्टॉप दोहरिए सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, ओके। अब हम देखते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, ओके। तो रेगुलर वर्ब बेटा वो होती हैं, आप सभी को पता है कि वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। तो रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, ओके। जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, रेगुलर वर्ब, ओके। तो वॉक ले लेते हैं, तो वॉक हो गया फर्स्ट फॉर्म, वॉक्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड ही होता है, ओके। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो गई ना, वॉक्ड वॉक, तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। ऐसे ही प्ले बेस फॉर्म होती है, बेस वर्ब होती है और उसकी सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, तो वो हो गई रेगुलर वर्ब जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती हैं। लाइक क्या हो गई हमारी बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी लाइट और थर्ड फॉर्म भी लाइट ही होती है। मूव, फर्स्ट फॉर्म मूव्ड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी मूव्ड ही होती है बेटा, तो वो हो गई आपकी रेगुलर वर्ब। तो वो वर्ब जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है वो आपकी कहलाती है रेगुलर वर्ब। कैरी, कैरीड, कैरीड, वो उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म भी सेम रहती हैं, ओके। इस तरह से हमने देखा कि स्पेलिंग में चेंज करके हम कैसे किसी वर्ब को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, ओके। थैंक यू।